नमस्कार साथियों, आज का यह वीडियो खासा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके मन मस्तिष्क आपकी आत्मा पर पड़ी और उन गहरी अनुभूतियों को स्मृतियों को छेड़ने वाली हूँ जो आज भी आपके हृदय की वीणा के तारों में मधुर संगीत छेड़ जाते हैं। इस बात से आप मुकर नहीं सकते कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने आपके दिलो दिमाग को गाड़ी यादों में डुबो दिया था और आज भी जब वो मेमोरीज जिंदा होती हैं तो आप उनमें डूब जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे राम वृक्ष बैनीपुरी जी के हृदय में रजिया की स्मृति की रेखाएं कब्जा किए हुए हैं। कानों में चांदी की बालियां, गले में चांदी की हैकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की घोड़ाई, बर वहाँ की बूटेदार कमीज पहने, काली साड़ी के छोर को गले में लपेटे, गोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परेशान वह छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई तो मेरे बचपन की रजिया की स्मृति ताज़ा हो उठी। हाँ, ये मेरे बचपन की ही तो बात है। मैं कसाई खाने से रस्सी तोड़ाकर भागे हुए बछड़े की तरह उछलता हुआ अभी अभी स्कूल से आया था और बरामदे की चौकी पर अपना बस्ता स्लेट पटक कर मौसी से छठ में पके हुए ठेकियों और को कुतर कुतर कर खाता हुआ ढेकी पर झूला झूलने का मजा पूरा करना चाह रहा था कि उधर से आवाज़ आई, देखना बबुआ का खाना छू मत देना। और उसी आवाज़ के साथ मैंने देखा यह अजीब रूप रंग की लड़की जो मुझसे दो तीन गज आगे आकर खड़ी हो गई थी। मेरे लिए यह रूप रंग सचमुच अजीब था। ठेठ हिंदुओं की बस्ती है मेरी और मेरे मेले पेठिए में भी अधिक जाने की छूट नहीं है। मैं माँ बाप का इकलौता माचल बसी थी, इसलिए उनकी एकमात्र धरोहर को मौसी अपनी आँखों में जुगो कर रखती थी। मेरी गांव में भी लड़कियों की कमी नहीं, किंतु ना उनकी यह वेशभूषा ना यह रंग रूप। मेरे गांव की लड़कियां कानों में बालियां कहाँ डालती हैं और भर वहाँ की कमीज भी उन्हें कभी नहीं पहने देखा। और गोरे चेहरे तो मिले किंतु इसकी आँखों में जो एक अजीब किस्म का नीलापन दिखता वह कहाँ, और समूचे चेहरे की काट भी कुछ निराली सी थी। तभी तो मैं उसे एक टक घूरने लगा। यह आवाज़ थी रजिया की माँ की, जिसे प्रायः मैंने अपने गांव में चूड़ियों की खचियां लेकर आते देखा था। मेरी मौसी झट उठी, घर में गई और दो ठेकुए एक कसार लेकर उसके हाथों में रख दिए। वे लेती नहीं थी किंतु अपनी माँ के आग्रह पर हाथ में रख तो लिया किंतु मुंह से नहीं लगाया। मैंने कहा, खाओ ना, क्या तुम्हारे घर में ये सब नहीं बनते? छठ का व्रत नहीं होता? कितने प्रश्न, किंतु सबका जवाब न में ही, और वह भी मुंह से नहीं, जरा सी गर्दन हिलाकर। और गर्दन हिलाते हिलाते ही चेहरे पर गिरे बाल की जो लटें हिल हिल उठती वह उन्हें परेशानी से संभालने लगती। और जब वह चली तो जैसे मैं उसकी डोर में बंधा थोड़ी दूर तक खिसकता गया। शायद मेरी भावुकता को देख कर ही चूड़ी हारिनों के मुँह पर खिलने वाली हंसी और चूहल में ही उसकी माँ बोली, बबुआ जी, रजिया से ब्याह कीजिएगा। फिर बेटी की ओर मुखातिब होती हुई बोली, क्यों रे रजिया, ये दूल्हा तुम्हें पसंद है? उसका यह कहना कि मुँह मोड़ कर भागा। मैं पढ़ते पढ़ते बढ़ता गया, बढ़ने पर पढ़ने के लिए शहरों में जाना पड़ा। छुट्टियों में जब जब आता इधर रजिया तो पढ़ नहीं सकी, हाँ बढ़ने में मुझसे पीछे नहीं रही। मैंने देखा कि उसके शरीर में नए नए विकास हो रहे हैं, शरीर में और स्वभाव में भी वह कुछ प्रगल्भ हो गई है। अब मुझे देखते ही दौड़कर मेरे निकट आ जाती है, प्रश्न पर प्रश्न पूछती है, अजीब अटपटे प्रश्न। देखिए तो, ये नई बालियाँ आपको पसंद है? क्या शहर में ऐसी बालियाँ पहनी जाती हैं? आप किस तरफ रहते हैं वहाँ? वह बके जाती, मैं सुनता जाता, शायद जवाब की ज़रूरत वह भी नहीं महसूस करती। फिर कुछ दिनों बाद पाया कि वह अब कुछ सकुचा रही है। मेरे निकट आने के पहले वह इधर उधर देखती और जब कुछ बातें करती तो ऐसी चौकन्नी सी कि कोई देख ना ले, कोई सुन ना ले। एक दिन जब वह इसी तरह बातें कर रही थी कि मेरी भौजी ने कहा, देखियो री रजिया, बउआ जी को फसला नहीं लीजियो। वह उनकी ओर देखकर हंस तो पड़ी किंतु मैंने पाया उसके दोनों गाल लाल हो गए थे और नीली आँखों के कोने मुझे सजल से लगे। मैंने ध्यान दिया, अब जब हम लोग कहीं भी मिलते तो बहुत सी आँखें हम पर भालों की नोक की तरह तनी रहती थी। रजिया बढ़ती गई,
बच्ची से किशोर हुई और अब जवानी के फूल उसके शरीर पर खिलने लगे हैं। जब वह बहनों को चूड़ियाँ पहनाती है, भाई तमाशे देखने को वहाँ एकत्र हो जाते हैं। क्यों, बहनों के प्रति भ्रातृत्व भाव या रजिया के प्रति एक अज्ञात आकर्षण वहाँ लाता है उन्हें? जब बहुओं के हाथों में चूड़ियाँ ठेलती होती है, पतिदेव दूर खड़े कनखियों से देखते होते हैं, क्या अपनी नवोड़ा की कोमल कलाइयों को या इन कलाइयों पर पीड़ा करती हुई रजिया की पतली पतली उंगलियों को? और जैसे रजिया को इसमें रस मिलता है, पतियों से चहला करते वे बाज नहीं आती, बाबू बड़ी महीन चूड़ियाँ हैं, जरा देखिएगा कहीं चटक ना जाए। पतिदेव भागते हैं, बहुएँ खिलखिलाती हैं और रजिया ठट्टा लगाकर हंस पड़ती है। अब वह अपने पेशे में बहुत निपुण होती जा रही है। चूड़ियार के पेशे के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए कि उसके पास रंग बिरंग की चूड़ियाँ हों, सस्ती टिकाऊ और फैशन वाली, बल्कि यह पेशा चूड़ियों के साथ चूड़ियार के बनाव श्रृंगार रूप रंग और नाजो अदा को भी खोजता है। चूड़ी पहनने वालियों की ही नहीं, उनको भी मोह सके जिनकी जेब से चूड़ियों के लिए पैसे निकलते हैं। रजिया की माँ भी किसी जमाने में क्या कुछ कम रही होगी। खंडर कहता है इमारत शानदार थी। जो जो शहर में रहना बढ़ता गया, रजिया से भेंट भी दुर्लभ होती गई और एक दिन वह भी आया जो बहुत दिनों पर उसे अपने गांव में देखा पाया। उसके पीछे एक नौजवान चूड़ियों की खांची सिर पर लिए हुए है। मुझे देखते ही वह सहमी सिकुड़ी। मैंने मान लिया यह उसका पति है, किंतु तो भी अनजान सा पूछ ही लिया, इस मजदूरे को कहाँ से उठा लाइए रे? इसी से पूछिए, साथ लग गया तो क्या करूं? नौजवान मुस्कराया। रजिया भी हंसी, बोली यही मेरा खाविंद है मालिक। और एक दिन वह भी आया कि मैं भी खाविंद बना। मेरी रानी को सुहाग की चूड़ियाँ पहनाने उस दिन रजिया आई और उस दिन मेरे आंगन में कितनी धूम मचाई इस नटखट ने। यह लूंगी वह लूंगी और ये मुंह मांगी चीजें नहीं मिली तो वह लूंगी के दुल्हन टापती रह जाएगी। हट हट, तू बबुआ जी को ले जाएगी तो फिर तुम्हारा ये हसन क्या करेगा? वह जी ने कहा यह भी टापता रहेगा बहुरिया, कहकर रजिया ठट्टा मारकर हंस पड़ी और दौड़कर हसन से लिपट गई। ओहो मेरे राजा, कुछ दूसरा ना समझना, हसन भी हंस पड़ा। रजिया अपनी प्रेम कथा सुनाने लगी कि किस तरह यह हसन उसके पीछे पड़ा, किस तरह झंझटें आई, फिर किस तरह शादी हुई, वह आज भी किस तरह छाया सा उसके पीछे घूमता है, न जाने कौन सा डर इसे लगा रहता है। और फिर मेरी रानी की कलाई पकड़कर बोली, मालिक भी तुम्हारे पीछे इसी तरह छाया की तरह डोलते रहें दुल्हन। सारा आंगन हंसी से भर गया और उसी हंसी में रजिया के कानों की बालियों ने अजीब चमक भर दी थी। जीवन का रथ खुरदरे पथ पर बढ़ता गया, मेरा भी और रजिया का भी। इसका पता उस दिन चला जब बहुत दिनों पर उससे अचानक पटना में भेंट हो गई। एक दिन मैं चौक के एक प्रसिद्ध पान वाले की दुकान पर पान खा रहा था। मेरे साथ मेरे कुछ प्रशंसक नवयुवक थे। एक दो बुजुर्ग भी आकर खड़े हो गए कि एक बच्चा आया और बोला, बाबू वह औरत आपको बुला रही है। औरत बुला रही है? चौक पर मैं चौंक पड़ा। युवकों में थोड़ी हलचल, बुजुर्गों के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान भी मुझसे छिपी नहीं रही। औरत कौन? मेरे चेहरे पर गुस्सा था। वह लड़का सिर पिटाकर भाग गया। पान खाकर लोग इधर उधर चले। अचानक पाता हूँ कि मेरे पैर उस ओर उठ रहे हैं जिस ओर उस बच्चे ने उंगली से इशारा किया था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर पीछे देखा, परिचितों में से कोई मुझे देख तो नहीं रहा, किंतु इस चौक की शाम की रूमानी फिजा में किसी को किसी की ओर देखने की कहाँ फुर्सत। मैं आगे बढ़ता गया, वहाँ पहुँच ही गया पेड़ के नीचे। देखा पेड़ के नीचे चबूतरे की तरफ से एक स्त्री बड़ी आ रही है और निकट पहुँच कर कह उठी, सलाम वाले। ढक सा लगा, किंतु पहचानते मुझे देर नहीं लगी। उसने जहीं सिर उठाया, चांदी की बालियाँ जो चमक उठी थी, रजिया यहाँ कैसे, मेरे मुँह से निकल पड़ा। सौदा सुलभ करने आई हूँ मालिक, अब नए किस्म के लोग हो गए हैं ना, ये लाह की चूड़ियाँ कहाँ किसी को भाती हैं। नए लोग, नई चूड़ियाँ, साज सिंगार, कुछ और चीज़ें भी ले जाती हूँ, पाउडर क्लिप क्या क्या चीज़ें, नया जमाना, दुल्हनों के नए मिजाज। अब रजिया वह नहीं थी, किंतु उसकी हंसी वही थी, वही हंसी वही चुहल। इधर उधर की बहुत सी बातें करती रही और न जाने कब तक जारी रखती कि मुझे याद आया कि मैं कहाँ खड़ा हूँ।
और अब मैं कौन हूँ कोई देख ले तो, किंतु वह फुर्सत दे तब ना, रजिया ने बताया किस तरह दुनिया बदल गई है। अब तो ऐसे गांव हैं जहां हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदे नहीं खरीदते, अब हिंदू चूड़ीहारी ने खुद हो गई हैं, हिंदू दर्जी हो गए हैं, इसलिए रजिया जैसी खानदानी पेशे वालों को बड़ी दिक्कत हो रही है। चुनाव के चक्कर में अचानक एक दिन मुझे उसके गांव जाना पड़ा। ये रजिया का गांव है, यहाँ रजिया रहती है, किंतु क्या आज मैं यह भी पूछ सकता हूँ कि यहाँ कोई रजिया नाम की चूड़ीहारिन रहती थी या है? हसन का नाम लेने में भी शर्म लगती थी। मैं वहाँ नेता बनकर गया था, मेरा जय जयकार हो रहा था, कुछ लोग मुझे घेरे खड़े थे, जीप से उतरकर लोगों से बात कर रहा था, या यूँ कहिए कि कल्पना के पहाड़ खड़े होकर एक आने वाले स्वर्ण युग का संदेश लोगों को सुना रहा था कि अचानक लो ये क्या, फिर रजिया चली आ रही है, रजिया वे बच्ची, अरे रजिया फिर बच्ची हो गई, कानों में वही बालियाँ, गोरे चेहरे पर वही नीली आँखें, वही भर बहाँ की कमीज, वही कुछ लटें जिन्हें संभालती बड़ी आ रही है। बीच में 40-45 साल का व्यवधान आ गया था। अरे मैं सपना तो नहीं देख रहा, दिन में सपना, वह आती है और गब्बर ऐसी कि भीड़ में घुसकर मेरे निकट पहुंचती है और सलाम करती है और मेरा हाथ पकड़कर कहती है चलिए मालिक मेरे घर चलिए। मैं भौचक्का, कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लोग मुस्करा रहे हैं, नेताजी आज आपकी कलई खुल रही है, नहीं ये सपना है कि कानों में सुनाई पड़ा, एक कह रहा है कैसी शोक लड़की और दूसरा बोलता है ठीक अपनी दादी जैसी और तीसरे ने मेरे होश की दवा दी। ये रजिया की पोती है बाबू, बेचारी बीमार पड़ी है, आपकी चर्चा अक्सर किया करती है, बड़ी तारीफ करती है, फुर्सत हो तो जरा देख लीजिए, ना जाने बेचारी जीती है या। मैं रजिया के आंगन में खड़ा हूँ, हसन चल बसा है किंतु अपने पीछे 3 हसन छोड़ गया है, बड़ा बेटा कलकत्ता में कमाता है, मंझला पुश्तैनी पेशे में लगा है, छोटा शहर में पढ़ रहा है, यह बच्ची बड़े बेटे की बेटी है, हूबहू रजिया। दूसरी रजिया मेरी उंगली पकड़े आंगन से पुकार रही है दादी ओ दादी घर से निकल मालिक दादा आ गए, किंतु पहली रजिया निकल नहीं रही, कैसे निकले, बीमारी के मैले कुचले कपड़े में मेरे सामने कैसे आए। बहुओं से कहा जरा मेरे कपड़े तो बदलवा दो, मालिक से कितना दिनों बाद भेंट हो रही है ना। उसकी दोनों बहुएं उसे सहारा देकर आंगन में ले आईं। रजिया, हाँ मेरे सामने रजिया खड़ी थी, दुबली पतली रूखी सूखी, किंतु जब नज़दीक आकर उसने मालिक सलाम कहा उसके चेहरे से एक क्षण के लिए झुर्रियाँ कहाँ चली गई जिन्होंने उसके पूरे चेहरे को मकर जाला बना रखा था। मैंने देखा उसका चेहरा अचानक बिजली के बल्ब की तरह चमक उठा और चमक उठी वे नीली आँखें जो कोटरों में धस गई थी और चमक उठी है आज फिर वे चांदी की बालियाँ उसके चेहरे पर फिर अचानक लटक कर चमक रही हैं, वे लटें जिन्हें समय ने धो पहुँच कर शुभ्र और श्वेत बना दिया है। तो आपके मन में भी ऐसी कोई ना कोई याद स्मृति जरूर होगी। मैंने आपको रामवृक्ष बैनीपुरी द्वारा लिखा हुआ ये संस्मरण, ये रेखा चित्र सुनाया जिसने रजिया के व्यक्तित्व को सजीवता के साथ हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। यदि आपके मन में आपके हृदय में भी कोई ऐसा रेखा चित्र हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें या उसको शब्दों में ढालकर और एक रचना का रूप दे दें। थैंक यू सो मच। आपको यदि ये पसंद आया वीडियो तो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।